हिमाचल उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटों देहरा और नालागढ़ में भारी अंतर से जीत दर्ज की है। इस पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा का हिमाचल में मिशन लोटस सुपर फ्लॉप हो चुका है। अब भाजपा विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाए और जनता से माफी मांगे। क्या बोले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, सुनिए विस्तार से। देखिए, हमने 40 सीटें शुरुआत में हासिल की थी और अब सारे जब ये पूरा पटकशेप हो गया है तो फिर हम 40 पे फिर पहुंच गए हैं, यानी कि बैक टू स्क्वायर वन। और अब 2 सीटें हमने जीती हैं, श्रीमती कमलेश ठाकुर जीती हैं देहरा से, एक इम्प्रेसिव जीत उन्होंने अर्जित की है। और श्री हरदीप बाबा नालागढ़ से जीते हैं, उन्होंने भी शानदार जीत हासिल की है। उसके बाद 4 महीने की राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता के माहौल के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जो है प्रदेश में पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। ऑपरेशन लोटस जो कि एक योजनाबद्ध तरीके से भाजपा प्रदेश में लाई थी और एक बहुत बड़ी साजिश प्रदेश सरकार के खिलाफ हुई थी और सरकार गिराने का पूरा ताना बाना बुना गया था, लेकिन प्रदेश की जनता ने अस्वीकार कर दिया। जो घटनाक्रम इसमें घटित होते चले गए कि कोशिश तो शुरुआत यहाँ से हुई थी कि राज्यसभा की सीट वो एक हासिल करके ले गए, और लेकिन पूरे प्रकरण में जो 9 MLA शामिल थे उनमें से 6 ने अपनी विधायकी गवा दी। तो अब ये देखा जाएगा कि क्या खोया क्या पाया। 3 विधायक रिपीट कर सके, 9 में से 6 की MLAship जाती रही। कांग्रेस फिर से 40 के आंकड़े पे पहुंच गई और कांग्रेस की सरकार अब पूरी तरह स्थिर स्थायी सरकार है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि इस देव भूमि के लोग, इस वीर भूमि के लोग दल बदल के बेहद खिलाफ हैं और यहाँ के लोगों ने जो ये मंडी सजी थी विधायकों की, उस प्रणाली को पूरी तरह जो है अब अस्वीकार कर दिया। लेकिन ये जरूर है कि भाजपा ऑन द मूव गिरी है और ऑपरेशन लोटस का बहुत बुरा हशर हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।